हेलो फ्रेंड्स, 16th ऑफ दिसंबर का करेंट अफेयर्स और ये रहे आपके मेजर पॉइंट्स जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहला जो पॉइंट आपको मिलेगा वो क्या है, वो है किसकी बुक आई है प्राइड प्रेजुडिस एंड पेमडिट्री। ये बुक किसके द्वारा लिखी गई है और बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, लेटेस्ट आई है, ये बहुत बड़े राइटर हैं। दूसरा पॉइंट आपको जानना है कि ICC ने, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, अभी प्लेयर ऑफ द मंथ मेन सेक्शन में और विमेन सेक्शन में किसको सेलेक्ट किया है। तीसरा मेजर पॉइंट आज हम देखेंगे इंडिया का GDP एज पर एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, और हम साथ में जानेंगे कि शिनजियांग 605 ये सैटेलाइट कौन से देश ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, शिनजियांग। तो चलिए आगे देखते हैं और बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं मेजर पॉइंट्स। सो यहां पर आता है कि डेविड वार्नर एंड हेले मैथ्यूज, डेविड वार्नर एंड हेले मैथ्यूज, इनको प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ 4 नवंबर ICC ने सेलेक्ट किया है। यहां क्वेश्चन ये है कि चलिए डेविड वार्नर तो हम सभी जानते हैं वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, बट हेले मैथ्यूज ये किस देश की हैं, और यही क्वेश्चन है। क्या ये नामीबिया की है, हॉलैंड की है, वेस्ट इंडीज की है या साउथ अफ्रीका की है। तो चलिए पहले तो इन्हें हम देख ले क्या। ओके, आंसर आ गया यहाँ सी ऑप्शन, दैट इज ये वेस्ट इंडीज की। अब यहाँ पर पिका था प्लेयर ऑफ द मंथ, तो ये रहे डेविड वार्नर और ये रही हेले मैथ्यूज, राइट। डेविड वार्नर, हेले मैथ्यूज। डेविड वार्नर कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के, और हेले मैथ्यूज कहाँ की, तो वो वेस्ट इंडीज की। इनको प्लेयर ऑफ द मंथ कहा गया है, मंथ ऑफ नवंबर। नाउ यहाँ टेक अवेज क्या है, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर है डेविड वार्नर और वेस्ट इंडीज की ऑलराउंडर है हेले मैथ्यूज, और ICC प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर नवंबर इन्हीं दोनों को किया गया है। वार्नर को नॉमिनेट किया गया था और इनके इनके जो प्रतिद्वंदी थे इस नॉमिनेशन में वो भी बहुत स्ट्रांग थे, पाकिस्तान के आबिद अली और न्यूजीलैंड के टीम सऊदी, ये दोनों भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन फाइनली सबसे ज्यादा वोट के साथ डेविड वार्नर जीत गए, राइट। और इसमें बहुत बड़ा एक पॉइंट था कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप अभी हुआ है जिसमें ऑस्ट्रेलिया जीता है फाइनल में और न्यूजीलैंड हारा है, तो T20 का जो कंट्री जीता है ऑस्ट्रेलिया उसके ये प्लेयर थे और इनका कंट्रीब्यूशन जबरदस्त रहा है, इसीलिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी दिया गया अवार्ड इनको फॉर T20, राइट। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया है भारत का GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट 2021-22 में कितना रहने वाला है। एक्चुअली इन्होंने रिड्यूस किया है, कुछ समय पहले इन्हीं का असेसमेंट था कि ये 10% होने वाला है, लेकिन बाद में इन्होंने रिड्यूस कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि क्या बात हुई और कितने पर वो आए। तो सी ऑप्शन है इसका 9.7%, राइट। तो एज पर ADB अभी हमारा GDP जो होने वाला है वो 9.7 पे रुकेगा। और देखते हैं यहाँ टेकअवेज क्या है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज ट्रिम्ड इट्स, यानी कटौती कर दिया है 2021 ग्रोथ फोरकास्ट टू 9.7% फ्रॉम 10%। पहले इन्होंने कहा कि 10% होगा, बाद में फर्दर असेसमेंट किया तो फाइनली उन्होंने बोला कि 9.7 रहने वाला है, राइट। अब आता है अनदर टेकअवेज। एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, कब कब स्टैब्लिश हुआ है, क्वार्टर कहाँ है, प्रेसिडेंट कौन है, वो देख लेते हैं हम। इसका एक क्वार्टर है फिलीपींस में, मनीला फिलीपींस में, और प्रेसिडेंट है यहाँ मासात्सुगु असाकावा। ये 2020 से अभी तक के प्रेसिडेंट है, और इसके मेंबर्स कितने हैं, 68 कंट्रीज हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक के दायरे में या उसके मेंबर। फाउंडेशन कब ये फाउंड किया गया था, दिसंबर 1966 में। नेक्स्ट पॉइंट आता है, विच स्टेट टाइड अप विद UN, यूनाइटेड नेशन CDF टू लॉन्च मिशन शक्ति लिविंग लैब। मिशन शक्ति लिविंग लैब क्या है ये, थोड़ा सा यहां देख लीजिए। मिशन शक्ति लिविंग लैब जो है वो एम्पावर करने का एक तरीका है विमेन एम्पावरमेंट के लिए, एम्पावरिंग विमेन एंड इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल हेल्थ।
ओके, वीमेन्स इकोनॉमिक एंड फिनेंशियल हेल्थ। तो ये रहा उसका फोटो आप देख रहे हैं। तो कौन सा स्टेट ने अभी लॉन्च किया है UNCDF के साथ मिलकर के? उड़ीसा, बिहार, यूपी या फिर MP? एंड द राइट आंसर इज ए, उड़ीसा। अब उड़ीसा के बारे में भी थोड़ा जान लेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं टेक अवे क्या है। ओडिशा इन एन अग्रीमेंट विद यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड। सो UNCDF मींस यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड, उनके साथ मिलकर के उड़ीसा ने मिशन शक्ति लिविंग लैब को आगे बढ़ाया। और क्या करेंगे वो देखिए, उसमें फायदा क्या है। फॉर फिनेंशियल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, अ ग्लोबल सेक्टर फॉर फिनेंशियल हेल्थ टू लॉन्च मिशन शक्ति लिविंग लैब एम्पावरिंग वुमेन इकोनॉमिकली एंड ड्राइव जेंडर इक्वालिटी। नाउ दिस इनिशिएटिव लेड टू एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है इसका फुल फॉर्म, मेंबर्स फ्रॉम 3000 टू 15000, 5 गुना इनका इनकम बढ़ गया। ओके, 500 times 500%, 5 times दैट इज 500%। नाउ यहाँ पर उड़ीसा के बारे में याद रखिएगा, उड़ीसा में सन टेम्पल है, ओके, और यहीं पे चिल्का लेक भी है। चिल्का लेक फ्रेश वाटर लेक है, सन टेम्पल जिसके उसी वहीं से हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है उसके बीच का चक्र वहीं से लिया गया है वो डिजाइन। आइए हम देख लेते हैं थोड़ा और इसके बारे में, उड़ीसा के बारे में। तो उड़ीसा कहाँ पर है पहले तो वो देख लीजिए। ये रेड कलर का जो है ना, ये उड़ीसा है और इसके चारों तरफ के ये स्टेट्स हैं। जैसे यहाँ वेस्ट बंगाल है येलो कलर में, झारखंड है ऊपर ग्रीन में, इधर छत्तीसगढ़ है ब्लू में, नीचे येलो में आंध्र प्रदेश है। तो यहाँ पर यहाँ देखिए CM इसके कौन है, नवीन पटनायक। कैपिटल क्या है इसका, भुवनेश्वर। नवीन पटनायक CM है, ये रहे नवीन पटनायक। कैपिटल इसका भुवनेश्वर है। यहाँ पे पूरी लॉर्ड जगन्नाथ का टेम्पल है और पूरी जो है ना, चार धाम में से एक धाम है पूरी, ठीक है, वो याद रखेंगे। दूसरे जो तीन और धाम है वो भी साथ में देख लेते हैं। एक है बद्रीनाथ, रामेश्वरम एंड द्वारका, ठीक है। तो चारों कोने पे एक धाम यहाँ पे हो गया, यहाँ पे रामेश्वरम हो गया, यहाँ पे द्वारका हो गया और इधर में बद्रीनाथ हो गया। तो ये सारे धाम है जो जिसमें से एक धाम हो गया पूरी जो कि उड़ीसा में है। और भी चीजें याद रखेंगे आप, हीराकुड डैम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हीराकुड डैम विच इज बिल्ट ऑन महानदी, किस नदी पे है, महानदी पे। इट्स द फोर्थ लार्जेस्ट डैम इन द वर्ल्ड, ओके। और पारादीप क्या है, एक मेजर सी पोर्ट है उड़ीसा का, पारादीप, ठीक है। यहाँ पे पारादीप मेजर सी पोर्ट है। तो ये सारे मेजर पॉइंट्स है जिसे आप जरूर से याद कर लेंगे। उड़ीसा के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसे भी हम देख लेते हैं, राइट। उड़ीसा के जनरल फैक्ट्स में और क्या आता है, लिंगराज टेम्पल, बहुत सारे टेम्पल्स हैं यहाँ पे। लिंगराज टेम्पल है, ये देखिए शिव जी का मंदिर है, ये फेमस टूरिस्ट प्लेस है, भुवनेश्वर के पास है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। इसके अलावा आप देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आ रहा है, रोसा घरा इज अ ट्रेडिशनल किचन ऑफ जगन्नाथ टेम्पल। ट्रेडिशनल किचन है जहाँ खाना खिलाया जाता है सबको, और ये पुरी में है उड़ीसा में। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट किचन है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट किचन। ये देखिए कुछ फोटोज यहाँ पर दिए हुए हैं, ओके। फिर यहाँ पर फेमस और भी कई चीजें हैं, जैसे ऑलिव रिडले सी टर्टल, बहुत बड़ा ये टर्टल होता है, ऑलिव रिडले सी टर्टल। फिर सुदर्शन पटनायक, ये तो हर समय न्यूज में रहते हैं, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को जरूर याद रखिएगा। सैंड आर्टिस्ट, कोई भी दुनिया में बड़ा इवेंट होता है उस पर इनका कोई ना कोई ऐसा स्टैंड पे ये उस चीज को उकेरते हैं जो कि रिसेंट कोई भी बड़ा न्यूज में रहता है, राइट। सुदर्शन पटनायक, ये नाम याद रखिएगा जरूर से। नेक्स्ट पॉइंट हमको देखना है, कौन से कंट्री ने लॉन्च किया है CESIAN-6O5 सैटेलाइट फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन। बहुत बड़ा यह मिशन है, किस कंट्री का यह मिशन है, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, गलती से आ गया स्पेलिंग, इंडोनेशिया। एंड द राइट आंसर इज ए, दैट इज चाइना। चाइना ने लॉन्च किया है CESIAN-6O5। अब यह टेकअवेज में क्या है, चाइना सक्सेसफुली लॉन्च अ न्यू ग्रुप ऑफ सैटेलाइट
CZN605 into space from Jiuquan Satellite Launch Center in northwest China for space exploration and new technology test. चाइना के बारे में तीन पॉइंट याद रखिएगा, इसका कैपिटल है बीजिंग और इसके करेंसी का जो पहले युआन के नाम से जाना जाता था अब उसका नाम है रेनमिनबी, रेनमिनबी करेंसी है वहां के और वहां के प्रेसिडेंट है जी जिनपिंग, राइट? तो जिंग इन बी पिंग, वाओ, याद हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल टी डे, चाय के बारे में आ गया, क्या रिफ्रेशिंग पिक्स है यहाँ पे। किस दिन मनाया जाता है? 15 दिसंबर, 16 दिसंबर, 14 दिसंबर, 18 दिसंबर। और राइट आंसर है पहला ऑप्शन 15 दिसंबर। चाय की खेती देखिए ऐसे स्लांट पोजीशन पे होती है क्योंकि चाय के जड़ में पानी तो चाहिए बट रुकना नहीं चाहिए, इसलिए वो हिली स्लोप्स पे ही इसको उगाया जा सकता है। और इस स्लोप पे जहां पर ये चाय की खेती होती है उसको टेरेस फार्मिंग कहते हैं या स्टेप फार्मिंग कहते हैं। स्टेप होता है टेरेस, ऐसे लाइन बना हुआ है, या स्टेप्स होता है सीढ़ी नुमा जगह होता है, इसलिए ये नाम पड़ा है। तो आइए देखते हैं इसका टेक अवेज क्या है। इंटरनेशनल टी डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन दिसंबर 15 इन कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वियतनाम, इंडोनेशिया, केन्या, मालावी, मलेशिया, युगांडा, इंडिया एंड तंजानिया, राइट? इट इज द सेकेंड मोस्ट यूज ड्रिंक इन द वर्ल्ड आफ्टर वॉटर। जी हाँ, पानी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पिया जाने वाला कोई ड्रिंक है तो वो है चाय। बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन है, ओके? और भारत में चाय सबसे ज्यादा आसाम में होता है। फॉर सम पीपल टी इज एन इंग्रेडिएंट पार्ट, इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ विच एड्स रिदम। सुबह सुबह चाय मिल जाता है तो जिंदगी में सुबह से दिन भर रिदम मिल जाता है इनको, बहुत से लोगों के लिए। चाइना इज करेंटली द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी, ओके? अकॉर्डिंग टू अ स्टडी कंडक्टेड बाय टी बोर्ड ऑफ इंडिया इन 2007, अराउंड 80% ऑफ द टोटल टी प्रोडक्शन इन इंडिया इज कंज्यूम्ड बाय द डोमेस्टिक पॉपुलेशन। वैसे आसाम में 55% टी का प्रोडक्शन होता है, सबसे ज्यादा इंडिया में वही होता है। और टोटल टी प्रोडक्शन का, क्योंकि कुछ केरल में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी होता है चाय की खेती, तो टोटल प्रोडक्शन का 80% तो हमारे ही यहाँ कंज्यूम हो जाता है, तो हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर तो है नहीं, ठीक है? 16% ही हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं हमारे टी प्रोडक्शन का, 16। और दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का जो एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर वो है चाइना, राइट? तो काफी इंफॉर्मेशन इस स्लाइड से आपको मिलता है। और एक और टेक अवेज यहाँ देख लेते हैं। द फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन इंडिया 2005। हाउएवर इन 2015 द इंडियन गवर्नमेंट प्रपोज्ड टू द यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज FAO टू एक्सपैंड इंटरनेशनल टी डे अक्रॉस द वर्ल्ड। तो इंडिया ने रिक्वेस्ट किया यूनाइटेड नेशन को, इसको एक्सपैंड कीजिए। व्हाट इज टी? अब देखते हैं चाय है क्या। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर दिया हुआ है। टी इज अ बीवरेज मेड फ्रॉम द कैमेलिया साइनेसिस प्लांट। इसका टेक्निकल नाम जो है, बायोलॉजिकल नाम जो है, कैमेलिया साइनेसिस प्लांट, ओके? टी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक आफ्टर वॉटर। इट इज बिलीव दैट टी ओरिजिनेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। एक्चुअली इसका राइट जगह नहीं पता कहाँ से ओरिजिनेट किया, कहीं पर पता चलता है कि या तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ इंडिया में, या फिर म्यांमार में है, या फिर साउथ ईस्ट चाइना में, बट एग्जैक्ट प्लेस वेयर द फर्स्ट प्लांट ग्रीव इज नॉट नोन। टी हैज बीन विद अस फॉर अ लॉन्ग टाइम। देयर इज एविडेंस दैट टी वाज कंज्यूम्ड इन चाइना 5000 ईयर्स अगो। काफी पहले से चाइना में कंज्यूम किया जाता है। अब आता है एक बहुत बड़ा न्यूज इंडिया के हथकरघा उद्योग के लिए, यानी कि जहां पर बुनकर लोग हैं उन लोग के लिए एक बड़ा न्यूज है, क्योंकि उनको काम बहुत बड़ा मिलने वाला है। यूनाइटेड नेशन फैशन ब्रांड, यूनाइटेड स्टेट्स फैशन ब्रांड, तो अमेरिका का एक फैशन ब्रांड है पैटागोनिया। पैटागोनिया बहुत बड़ा ब्रांड है, काफी बड़ा सेल है दुनिया में। और मजेदार चीज देखिए, इन्होंने रिसेंटली ये लिखा अपने एडवर्टीजमेंट के साथ कि डोंट बाय दिस जैकेट। अब ये इतना इंटरेस्टिंग लगा लोगों को, दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एडवर्टीजमेंट। डोंट बाय दिस जैकेट एक तरीका है एडवर्टीजमेंट का
तो उन्होंने कहा नहीं खरीदो, ऐसा कह के सबसे ज्यादा जैकेट्स इन्होंने बेच लिया। सो रीड हाउ पैटागोनिया सोल्ड मोर जैकेट्स बाय टेलिंग कंज्यूमर्स नॉट टू बाय दैट जैकेट। सो व्हाट एन इंटरेस्टिंग पॉइंट दिस इज। सो यहां पर यूएस फैशन ब्रांड पैटागोनिया सेलेक्टेड डैश डेनिम फॉर इट्स अपैरल। तो यहां पे सिल्क है, खादी है, पश्मीना है या अंगोरा है? राइट आंसर इज बी, खादी। जी हाँ, खादी डेनिम इंडिया से ये पैटागोनिया कंपनी खरीद रहा है और इससे बहुत बड़ा फायदा यहाँ कर इस इंडस्ट्री को होने वाला है। सो यूएस बेस्ड वर्ल्ड फैशन ब्रांड पैटागोनिया इज नाउ यूजिंग हैंडीक्राफ्ट खादी डेनिम फैब्रिक फॉर मेकिंग डेनिम अपैरल। पैटागोनिया थ्रू टेक्सटाइल मेजर अरविंद मिल्स हैज परचेज्ड नियरली 30,000 मीटर्स ऑफ खादी डेनिम फैब्रिक वर्थ 1.08 करोड़ फ्रॉम गुजरात। राइट, तो अब खादी डेनिम का पूरा दुनिया में बोलबाला होने वाला है और शुरुआत कराया है पैटागोनिया, जो एक फैशन ब्रांड है यूनाइटेड स्टेट्स का। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल कहाँ हुआ है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल रिसेंटली कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन है बैंगलोर, दिसपुर, पटना या फिर पणजी। एंड द राइट आंसर इज डी, पणजी, गोवा। राइट, टेक अवेज देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह इनॉग्रेटेड सेवेंथ एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल एट पणजी, गोवा। द थीम ऑफ द फोर डे साइंस फेस्टिवल वॉज आजादी की अमृत महोत्सव सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर अ प्रॉस्परस इंडिया। और इस प्रोग्राम का पर्पस ये होता है कि जो भी साइंटिफिक इनोवेशन है वो कैसे आम पब्लिक के यूज में आए, किस तरह से जनरल पब्लिक उसे यूज कर सके, तो किस तरह से प्राइस रिडक्शन, कॉस्ट रिडक्शन हो ताकि आम आदमी उसका फायदा उठा सके, यही पर्पस से ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। नाउ आज का लास्ट स्लाइड आ गया मेरे पास, कि ये बुक जिसका टाइटल है प्राइड प्रेजुडिस एंड प्यूनिटरी बाय, यानी कि किसने लिखा इस बुक को, और यहाँ ऑप्शन भी है आपके पास, ये फोटो भी है, इनको पहचानते हो, जाना माना चेहरा है, यूनियन मिनिस्टर हुआ करते थे। तो ऑप्शंस आपके पास करण थापर, शशि थरूर, मिलिंद सोमन, चेतन भगत। एंड द राइट आंसर इज बी ऑप्शन, शशि थरूर। राइट, नाउ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर एंड लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डॉक्टर शशि थरूर 23rd बुक, काफी बुक्स इन्होंने लिख रखी है, प्राइड प्रेजुडिस एंड प्यूडिटरी। ओके, तो ये सारे रहे हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक अवे इसको दोबारा फिर से देख लीजिएगा, वहां से भी काफी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच।